शेयर की ये जो मेडिकेयर हॉस्पिटल है उसकी प्लानिंग हम लोग ने कैसे काम किया। लास्ट एपिसोड में मैंने यहाँ पे आपको मंदिर और राइट में मंदिर और लेफ्ट में सोनोग्राफी एरिया है उसके इमीडिएट बाजू में यहाँ पे जो एक्सरे रूम है वहाँ से हम लोग आज हम लोग चालू करेंगे और आगे देखेंगे कौन से एरियाज आपको देखने के लिए मिलेंगे। हॉस्पिटल अभी तक चालू नहीं हुआ इसीलिए आप देखेंगे सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हैं और उसकी सारी मशीन्स और उसके लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है सब यहाँ पे आपको दिख रहा है। एक्सरे रूम से अगर मैं सामने बाहर जाती हूँ तो आपको राइट हैंड साइड पे यहाँ पे मेडिकल स्टोर है। ये मेडिकल स्टोर की अरेंजमेंट हम लोग ने प्लानिंग करने के टाइम ऐसे की थी अगर किसी को इमरजेंसी में कुछ मेडिसिन चाहिए तो यहाँ से वो पासेज में से आपको ये वाला दिख रहा है ये काउंटर है। ये काउंटर जो पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर से है वहां से उसको यहाँ से मेडिसिन मिल सकते हैं और पर्पजफुली ये वाला आपको जो पैसेज दिख रहा है ये वाला पैसेज अगर एक साथ तीन या चार पेशेंट है उनकी मेडिसिन लेनी है तो ये वाले जो भी पेशेंट्स यहाँ से पूरे आने जाने का जो रास्ता है वो डिस्टर्ब नहीं करे इसीलिए आप देखेंगे ये वाला पर्पजफुली पैसेज अलग से है जो मेडिकल के लिए जा रहा है। उसके बाद हम लोग अभी आगे जाते हैं ये वाला पैसेज। ये वाला आपको जो सामने वाला पैसेज दिख रहा है ये वाला पैसेज राइट हैंड साइड से फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जा रहा है। ये वाला आपको दिखा रही हूँ ये वाले जो मल्टी शेयरिंग रूम है ये और उसका नाम लवेंडर करके दिया है लवेंडर दिया है। ये वाला आपको भी दिख रहा है यहाँ पे नर्सिंग स्टेशन है मीन्स अगर कुछ नर्सिंग के लिए कुछ चाहिए उनको तो उनके लिए स्टोरेज स्पेस यहाँ पे प्रोवाइड की है। और इसके साथ आप यहाँ पे अंदर आएंगे तो ये वाला चार बेड का मल्टी शेयरिंग रूम है यहाँ पे चार जन का शेयरिंग हो रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला उनके लिए वॉशरूम है। और ये वाले वॉशरूम में हम लोग ने जानबूझ के बेसिन बाहर रखा है क्योंकि चार एक साथ तो उनके लिए इसीलिए पर्पजफुली आप देखेंगे ये वाला स्पेशल हम लोग ने अलग से सेपरेट स्पेस रखा है। और हम लोग ने आपने जैसे देखा रिसेप्शन में जो वॉल टाइलेट थी उसका कलर अलग था और ये वाला जैसे एरिया थोड़ा कंजेस्टेड है इसलिए हम लोग ने जितने भी टाइल यूज किए यहाँ पे फ्लोरिंग में और दीवार में ये आप देखेंगे व्हाइट कलर की टाइल हम लोग ने यूज किए उसकी वजह से ये वाला रूम भले आपको यहाँ पे कंजेस्टेड स्पेस है लेकिन बहुत ही बड़ा दिख रहा है ड्यू टू हम लोग ने ये वाले व्हाइट कलर की टाइल यूज की है। अभी चलते हैं आगे वाले रूम में। ये वाला ट्रिपल शेयरिंग रूम है जैसे ये मल्टी शेयरिंग है वैसे ये ट्रिपल शेयरिंग रूम है एक साथ तीन बेड है वहां पे चार तो यहाँ पे तीन है। उसके सामने ही आप देखेंगे जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ये हम लोग ने बोर्ड लगाया कैजुअलिटी और डायलिसिस एरिया। ये वाला एरिया कैजुअलिटी और डायलिसिस के लिए यूज किया जाएगा डायलिसिस और कैजुअल के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मेडिसिन काउंटर है। ये एरिया हम लोग ने प्लानिंग करने के टाइम ऐसे डिजाइन किया था कि कैजुअलिटी वाला बेड अलग रहे और डायलिसिस वाला बेड अलग रहे। और आपको ये वाली जो दीवार दिख रही है ये दीवार हम लोग ने स्पेस इसीलिए बनाया था इसको अंदर लेके ताकि बाहर में पैसेज में हम लोग बाथरूम बना सके। ये वाला जो कैजुअलिटी का बाजू में ये वाला पर्पजफुली हम लोग ने इसको अलग से रखा और ये वाला सिर्फ स्टाफ के लिए टॉयलेट रखा है। हम लोग जैसे एंट्री से आ रहे थे वहां पे भी एक टॉयलेट था वो सिर्फ रिसेप्शन या फिर वहां से जो पेशेंट आ रहे उनके लिए वॉशरूम अलग था और ये वाला स्टाफ के लिए हम लोग ने वॉशरूम अलग रखा। ये रिसेप्शन है ये रिसेप्शन के इमीडिएट बाजू में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला टॉयलेट इसका प्रोविजन ऐसे था कि जो यहाँ पे रिसेप्शन में पेशेंट बैठेंगे या कोई स्टाफ है तो उनके लिए इमीडिएट वॉशरूम के लिए स्पेस चाहिए था तो उनके लिए यहाँ पे हम लोग ने टॉयलेट की अरेंजमेंट की है। अभी रिसेप्शन से हम लोग सीधा गए थे अभी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी दो ओपीडी की प्रोविजन है। ये राइट हैंड साइड पे ये ओपीडी नंबर वन दिया है और इस तरफ ओपीडी नंबर टू। ओपीडी नंबर वन में ओपीडी नंबर वन का साइज बहुत ही छोटा है एक सिंगल टेबल और उसके सामने दो चेयर और यहाँ पे पेशेंट के लिए बेड है। यहाँ पे एग्जिस्टिंग फ्लैट था और इसीलिए हम लोग ने उसका हाइट मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा है दो लेवल फॉल सीलिंग है।
तो जो उड़न स्ट्रिप्स आती है उसका हम लोग ने यहाँ पे सीलिंग किया, क्योंकि अगर फॉल सीलिंग करते हैं तो उतना जगह नहीं था। ये वाली जो सीलिंग है ये पीवीसी की सीलिंग है, जो हम लोग ने सीलिंग से हार्डली 1.5 इंच जगह छोड़ के पीवीसी की सीलिंग, पीवीसी की पट्टियां है सीलिंग में लगाई हुई। मैं आपको यहाँ पे ओपीडी 2 बता रही, ये ओपीडी 2 है ना, जो ओपीडी सामने ओपीडी 1 है ये ओपीडी 2 है। ये ओपीडी 2 ओपीडी 1 से थोड़ा ही बड़ा है। इसमें हम लोग ने एक्स्ट्रा एक स्पेस दिया है, जो कि यहाँ पे हम लोग ने वॉश बेसिन प्रोवाइड किया है। और ये वाले अगर लेबर रूम के कोई पेशेंट्स आते हैं तो उनके लिए यहाँ पे अलग से अरेंजमेंट, या ये ओपीडी में आएंगे इसीलिए यहाँ पे एक प्रोविजन वॉशरूम वॉश बेसिन का भी दिया हुआ। तो यह है ओपीडी 2। यहाँ पे आप देखेंगे सीलिंग 2x2 की फॉल सीलिंग हम लोग ने यहाँ पे किया, बिकॉज ये रूम में हमें पूरी हाइट मिल रही थी, तो 10 फुट की हाइट और पूरी हाइट मिल रही थी। ये जो आप सीलिंग देख रहे हैं ये वाला पैसेज में है, और जितने भी यहाँ पे अंदर वाले रूम है वहां पे हम लोग ने स्प्लिट एसी लिए है, और पैसेजेस के लिए हम लोग ने डक्टेबल एसी किए है। तो डक्टेबल एसी का यहाँ पे आपको एक सामने दिख रहा है। इसके साथ ही हम लोग यहाँ पे सामने आएंगे, ये वाला जो रूम है ये बिलिंग और टीपीए, यहाँ पे एक जो काउंटर है ये सिर्फ बिलिंग के लिए, और इसी रूम में दूसरा काउंटर है वो जो टीपीए के लिए। टीपीए के लिए हम लोग ने स्पेसिफिकली यहाँ पे बहुत बड़ा स्टोरेज दिया है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे केसेस रहे और उसका स्टोरेज की, यहाँ पे स्टोरेज का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा था, तो इसीलिए यहाँ पे टीपीए के टेबल के साथ यहाँ पे हम लोग ने बहुत बड़ी स्टोरेज प्रोवाइड की है। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी आपको दिख रहा है सीलिंग, सीलिंग काफी हाइट है, 10 फुट की पूरी हाइट हम लोग ने यूज की है। तो यहाँ पे 2x2 की फॉल सीलिंग हम लोग ने यहाँ पे लगाई है। ये वाला जो टीपीए रूम है और सामने ओपीडी 1 है, इसके बीच में हम लोग ने एक पैसेज क्रिएट किया। ये वाला पैसेज आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा स्टोर रूम जैसे है, और यहाँ से हमने ये वाले स्टेयर के ऊपर जाने के लिए रखी है। मैं आपको इसमें मैं आपको शायद वीडियो के साथ भी दिखा सकती हूँ, ये वाले जो स्टेयर केस है जो डे 1 से यहाँ पे है उसको हम लोग ने कुछ भी हाथ नहीं लगा, वैसे के वैसे ही स्टेयर केस है। ये वाली स्टेयर केस ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के ऊपर उसका कनेक्टिविटी है। यहाँ पे एक स्टेयर केस है, वैसे उस तरफ भी एक स्टेयर केस है। हॉस्पिटल के लिए हमेशा 2 स्टेयर केस की जरूरत पड़ती है इन केस ऑफ इमरजेंसी, उसको फायर एग्जिट बोलते हैं। मैंने आपको आज के वीडियो में पूरी ग्राउंड फ्लोर आपके साथ शेयर की, तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको यहाँ से आपको जो स्टेयर केस दिख रही है यहाँ से हम लोग फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाएंगे, और फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग और वहाँ पे हम लोग ने कौन से एरियाज किए हैं और कैसे प्लानिंग किए वो मैं आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, मेरे इस SETT चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फर्स्ट फ्लोर में।